हेलो गाइस, टोटल कूलिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और ये एक 1 टन का वोल्टास का एसी है, उसमें सैमसंग का कंप्रेसर लगा हुआ था, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आज हमने इस कंप्रेसर को चेंज करना है, और चेंज करते समय क्या क्या सावधानियाँ और क्या क्या प्रोसेस होते हैं आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है विकास और आप हो टोटल कूलिंग सॉल्यूशन पर। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्रेसर इसका है जो उतार दिया है। इसमें दिक्कत ये आ रही थी, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था और हीट होने के कारण ट्रिप हो रहा था। तो कस्टमर को, जैसे आपको पता है, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ये मुझे बदलना था। मैंने मार्केट से एक सेकेंड हैंड कंप्रेसर ले लिया है। ये देखिए, इसकी जगह पर मैं ये लगाने वाला हूँ। इसके हाइट में सिर्फ ज़्यादा नहीं, 5 या 10 सेंटीमीटर का फ़र्क होगा। ये थोड़ा ऊँचा है, लेकिन बट हम इसे चला लेंगे। तो आगे उसमें ब्रेजिंग का काम होगा, वो भी आप देख पाएंगे। और ब्रेजिंग कैसे करते हैं अगर आपने जानना है, तो इस वीडियो को पूरा दिखेगा। और हम इसे चला के गैस चार्ज करके पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो पे आपको दिखाएंगे। गाइस, ये जो हम ब्रेजिंग करने वाले हैं, इससे पहले मैंने इस पर फ्लक्स लगा लिया है, थोड़ा वाटर मिला के, ताकि वहाँ पर एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाए और ब्रेजिंग हो जाए। आपने कभी काम करना है ऐसा, तो फ्लक्स को थोड़ा सा वाटर डाल के, थोड़ा सा मतलब वाटर की तरह गूंथते हैं, और उसको इस पर थोड़ा सा लेप बना लें, ताकि जब आप ब्रेजिंग करें तो आपकी जो ब्रेजिंग है बहुत अच्छी हो। तो गाइज, मैंने ये इसका किलोमीटर जोड़ दिया है। इसके दो मैंने एक पाइप खुद कट करके यहाँ से और यहाँ से जोड़ दिया इसके बाकी पाइपिंग के साथ। और इधर भी एक ये 3/8 का पाइप है, तो ये नीचे तो मैंने फिक्स कर दिया। अभी लास्ट वाली मैं आपको वीडियो ब्रेजिंग के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए क्या क्या गया। इसे मैंने स्ट्रेच कर लिया प्रॉपर, और इसके साइज का शेप बना के इसके साथ में इसे अटैच करना है, ताकि प्रॉपर बैठ जाए। और फिर इसमें गैस चार्ज होगी, उसे प्रॉपर चला के इसके एम्पियर वगैरह सब चेक किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है, समझना है, तो वीडियो पे बने ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसे स्ट्रेच करके मैंने बिठा लिया है। अब इसमें हम ब्रेजिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब भी आप ब्रेजिंग स्टार्ट करने वाले होंगे, तो सेफ्टी का ध्यान रखना। सेफ्टी का एक गीला कपड़ा लेना, उन पार्ट्स को कवर कर लेना जो आप हीटअप से बचाना चाहते हो, लाइक बर्न हो के मेल्ट ना हो, प्लास्टिक पार्ट ना हो, या कोई स्लीव वगैरह, जैसे कि थिम्बल्स हैं, इधर भी हीट पड़ेगी तो ये नीचे से पिघल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्लक्स है, उसका आपने यूज करना है, ताकि आपका ब्रेजिंग अच्छी और स्मूथ हो जाए। और का इस्तेमाल तब करना जब पाइप आपके हीटअप हो जाए, रेड कलर का शो होने लगे।
इसे तुरंत ठंडा कर लीजिए ताकि आपकी मजबूती इसमें आ जाए। गीला पानी नहीं डालना अपने गीले कपड़े से, इसे साफ करना है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर से रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए। ब्रेजिंग होने के बाद एक बार आपने प्रॉपर चेक करना है कि ब्रेजिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ब्रेजिंग दिख जाए। ब्रेजिंग चारों तरफ से पूरी तरह हो चुकी है और ठीक तरह हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब इसमें करना क्या है, इसमें चार्जिंग वॉल दिखा देता हूँ, लगा हुआ है, थोड़े अटपटे तरीके का लगा हुआ था, तो मैं सोच रहा हूँ उसे थोड़ा काट के छोटा कर दिया जाए। इसके बाद हमने वैक्यूम का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आपको वैक्यूम की आवाज़ भी आ रही होगी, और ये वैक्यूम गेज भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये जीरो से बिलो चली गई है, मेरे पे वैक्यूम गेज नहीं थी अभी, तो मैंने इसे भी अपनी इसी वैक्यूम गेज से वैक्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं जीरो से बिलो आ गई है, और हमने इस सिस्टम को वैक्यूम कम से कम 20 मिनट करना है, तो 20 मिनट के लिए भी होल्ड पे जाएगा, और जब ये पूरी तरह वैक्यूम हो जाएगा फिर हम आपको इसमें गैस चार्ज करना बताएंगे। गाइज वैक्यूम प्रोसेस पूरा हो गया है, फिर भी अब हमें इस सिस्टम को कम से कम 10-15 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, कहीं लीकेज होगी तो ये जो जीरो से नीचे हमारी नोक गई है ये वापस जीरो तक पहुंच जाएगी। तो ऐसा हुआ तो कहीं लीकेज है, दोबारा आप अपने फिर आप इस सिस्टम में नाइट्रोजन डाल के लीकेज ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी हम चेक करेंगे, उसके बाद इसमें गैस चार्ज करना बताएंगे। इसके बाद जो अगला प्रोसेस आने वाला है वो गैस चार्जिंग का है। तो गैस चार्जिंग हम इसे वैक्यूम कर दिया है, तो बाय वेट नहीं बाय बैक प्रेशर करेंगे। आज का मौसम थोड़ा ठंडा सा है इसलिए हम इसमें 60 तक PSI प्रेशर डालेंगे, 60 और 55 के बीच ही रखेंगे। सिस्टम खत्म होने के बाद हमने इसके साथ सिलेंडर अटैच कर लिया है। सिलेंडर को उल्टा रखना होता है या थोड़ा तिरछा रख सकते हैं आप, और उसका जब इस सिलेंडर का वाल्व खोल लें उसके बाद हमें गैस पर्ज करनी होती है। पर्जिंग का सिस्टम सिंपल है, जिसमें एयर होती है निकल जाती है, आपने इस वाले वाल्व को खोलना है ताकि थोड़ा सा खोलना है ताकि इससे आपके जो अंदर एयर है ना सिस्टम में ना जाए, और उसे आपको एक साउंड भी आएगी। ये मैं इसे पर्ज कर चुका हूँ, तो इसके अंदर जो पाइप में एयर थी वो बाहर जा चुकी है। अब हमने गैस चार्ज करनी है। गैस चार्जिंग का सिंपल फंडा है, सिस्टम वैक्यूम है इसलिए आप इस वॉल को खोल दीजिए और इसमें गैस को जाने दीजिए। आपको इसका ओल्ड स्टैंड प्रेशर पता होगा 150 होता है, तो उसमें जितनी भी गैस जाना चाहे अभी वैक्यूम और का सिस्टम खुद ही चली जाएगी। उसके बाद हमने सिस्टम को चलाना है और बैक प्रेशर के साथ इसे इसमें गैस डालनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। गैस चार्ज करना आपको आता है नहीं आता था, उस वीडियो को आप थोड़ा सा और देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो गैस अभी इसमें गैस चली रही है और जब तक जाएगी जाने देंगे। सिस्टम ने जितनी गैस अभी ऑटो लेनी थी वो ले चुका है। अब हमने क्या करना है, इसी को रन करना है, और रन करने के बाद हम इसको दिखाएंगे कि प्रेशर कैसे डाला जाता है और क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं। सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है और आप देख रहे हैं कि बैक प्रेशर काफ़ी कम आने लगा है। तो हम इसकी चेक करेंगे, इसमें करंट आ रहा है उसका भी देखेंगे क्यों आ रहा है। चलिए दोस्तों अभी तो पहले हम इसे करते हैं कि इसमें सिस्टम में गैस पूरी डाली जाए। और इसमें गैस सावधानी से और बड़े प्यार से डाली जाती है।
मैंने यहाँ सिस्टम को इसके 50 के आसपास ला के इसको थोड़ा सा खोला हुआ है, मतलब खोला ही हुआ है ताकि इसमें गैस जाती रहे, और जितनी भी गैस की रिक्वायरमेंट है इसमें पहुँच जाए। गाइस आप देखिए अभी जैसे कि इसमें प्रेशर भी कम है, तो मैं आपको आइसिंग भी दिखा सकता हूँ, आइसिंग आने लगी है। ये गैस कम के सिम्टम्स होते हैं जब तो गैस हमारे सिस्टम में कम हो। फ्रेंड्स जो हमारा सिलेंडर था उसमें गैस ख़त्म हो चुकी है, इसलिए भी इस वीडियो को हम यहीं तक बनाएंगे। तो इसी तरह धीरे धीरे आप इसमें गैस डाल के 55 तक गैस पूरी करके उसके बाद चलाएं, ताकि आपको आपके सिस्टम के बारे में पता चल सके कि आपका सिस्टम पूरी तरह चल रहा है या नहीं चल रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके लाइक से मुझे बड़ी खुशी मिलती है, तो लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों।